अपन एक काम करते हैं, कैलेंडर पढ़ते हैं, कुछ नहीं ज़रूरत है। कैलेंडर एक ऐसा पोर्शन है जहाँ तुम्हें कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो तुम्हें सेवन याद होगा, सेवन एक वर्ड होता है, ठीक है। तो अपन कैलेंडर अभी स्टार्ट करेंगे, और कैलेंडर का एक डेफिनेशन याद रखना, सेवन। अभी से लेके अपने पास वन आवर का टाइम बचा है, वन आवर के अंदर अपन थोड़ा सा, जैसे कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बताओ। चल, डेट ऑफ बर्थ पता है? हाँ बताओ। 11/12/1999। ओके, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से डे तुम्हारा बर्थ हुआ है। मैं डे बताऊंगा, डे तुम्हें याद है? नहीं है, तुम फाइंड कर लेना, घर पे पूछ लेना, ठीक है। मैं तुम्हें डे बताऊंगा आज। तो अभी अपन ये बाद में सीखेंगे, ये तरह के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, कैलेंडर है क्या? कैलेंडर हर साल यूपीएससी में दो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दो में तुम्हें मैक्सिमम दो, हो सकता है तीन भी पूछे। दो क्वेश्चन में तुम्हें दो में एक टफ दिखेगा थोड़ा सा, और एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दिखेगा। तो टफ और इजी में अंतर क्या होता है? इजी वाला जो क्वेश्चन होता है ना, समथिंग आपको उंगली पे ही कैलकुलेट करके दिखा देना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 याद रहेगा इस तरह से। मैं भी ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ, थोड़ा बच्चों की तरह, और वो काम आएगा। तो अपन कैलेंडर सीखने के लिए, अपन कैसे कैलेंडर को सीखने के लिए अपन थोड़ा सा देखते हैं आगे किस तरीके से करेंगे। कैलेंडर का एक्चुअली मतलब होता है सेवन। सेवन क्यों लेते हैं अपन कैलेंडर में? जैसे वीक होता है, वन वीक में कितने डेज होते हैं? सेवन डेज होते हैं। तो हम उस सेवन डेज के अनुसार हम काम करते रहते हैं। तो कैलेंडर में सबसे बेस्ट वे ये होता है, कैलेंडर के क्वेश्चन हर जगह मिलते हैं अपन को, और कैलेंडर ऐसा होता है कि अपन को सीखना पड़ता है, खुद से सीखना पड़ता है कैलेंडर। अच्छा, मैंने तुम्हें एक ट्रिक बता दी, मान लो कि कोई ट्रिक बता दिया और तुम्हें वो ट्रिक समझ में भी आ गई, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको मतलब फ्यूचर अटेम्प्ट में हम उस चीज़ को रिमेंबर रखें। हो सकता है हम भूल जाएं, भूल जाना कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रिक भूल गए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो मैं तुम्हें ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं एक लॉजिक बताऊंगा, तुम्हें वो सीखना है कि वो लॉजिक क्या है। तो अपन को सिर्फ ये याद रखना है, कैलेंडर में सेवन लेते हैं और सेवन के अनुसार हम उस काम को आगे करते चले जाएंगे। तो कैलेंडर में जैसे सेवन डेज होता है, तो हमने एक सेवन डेज ले लिया, ओके। अब हम जैसे 100 ईयर होते हैं, 100 ईयर में हम टोटल 5 डे लेते हैं। 5 डे का मतलब क्या होता है कि अपन को जब भी 100 ईयर का निकालना है कुछ डे, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स रहना, 15 मिनट के बाद पूछ डॉट आए तो फिर पूछते जाना, अभी थोड़ा रिलैक्स। तो 100 ईयर जैसे है, तो उसका अपन ने क्या लिया? 5 डेज। तो जैसे अपन 100 ईयर में जब भी कोई 100 ईयर अपन कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें अपन कितना डेज निकालेंगे? सिर्फ 5 डेज। हम कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे 100 ईयर का, ठीक है। अब मान लो कि जैसे 400 ईयर है, तो उसका क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा 400 ईयर का? 0 डेज, ओके। अब ये 100 ईयर है, ये 400 ईयर है। अब सवाल आता है, आपसे पूछा जाए 300 ईयर, तो आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे, 5 2 5 3 15 डेज, ठीक है। जैसे 300 ईयर आ गया, अब 300 ईयर्स आया, तो 5 3 कितना हुआ? 15 का मतलब क्या होता है? 1। जब भी इस तरह से आप कैलकुलेट करके आखिरी डिसीजन पर पहुंचेंगे ना, उसको 7 के टेबल में देखेंगे, 7 2 तो हमने क्या किया, 15 में से 14 माइनस कर दिया, तो बचा क्या रिमाइंडर? 1। तो 15 का मतलब क्या होगा यहाँ पे? 1। इसी तरह से अगर तुमसे पूछे कि 20 का मतलब क्या है कैलेंडर में, तो क्या बोलोगे तुम? 14 - 20 - 14 डैट इज इक्वल टू 6, ओके। जिस तरह से अगर तुमसे कभी भी कुछ भी, जैसे अपन ने पूछ लिया 108 दिया, तो कैलेंडर में इसका नंबर क्या होगा? माइनस कर दीजिए 15 × 7, 15 × 7 = 105 होता है ना, 108 से, तो अपने पास इसका मतलब क्या हो गया? 3। ये कुछ कुछ समझ में आ गया? कोई भी नंबर दिया जाएगा, उसको 7 से उसके नीचे का फैक्टर देखा डिवाइड कर देना, जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देना। 7 को इससे डिवाइड करो 108, तो दैट इज रिमाइंडर विल बी 3, ओके। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, ओके। अब अपन देखते हैं, इसको रिटर्न करना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा तब राइट डाउन करना। मान लो आज कौन सा तारीख है? टुडे डेट 23।
अच्छा तुमसे ये पूछा गया कि 11 12 2019 को तुम्हारा बर्थडे आएगा, ओके? ये बर्थ डेट है, तो अब हमें ये फाइंड करना है कि 23/10/2019 को टुडे डेट अगर कितना है, वेनसडे है, तो जिस दिन बर्थडे आना है उस दिन कौन सा डे आएगा, ओके? तो अपन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखो, ये 10 मंथ है, 11 मंथ है, ये 12 मंथ है, 12 मंथ में कौन से दिन है, 11 डे, 11 मंथ में टोटल कितने डे होंगे, 30 डे होते, 30 का मतलब क्या हो गया, 2, क्यों, 7 4 28, तो 28 प्लस 2 30, तो इस तो रिमाइंडर विल बी 2, ओके? इधर 11 है, 11 का मीन्स भी 4 होगा, 7 4 11 11 माइनस 7 कर देंगे तो 4। अब 10th में इसमें जिस डे को अपन निकालेंगे उस डे को छोड़ देंगे, तो 23 है, तो अपने पास यहाँ पे कितने डे बचते हैं, 8 डे, क्योंकि 10th अक्टूबर है एंड इन अक्टूबर द टोटल डेट हैविंग 31, सो टेक 8 डे का मीन्स 1, ओके? तो 4 + 2 + 1 टोटल कितना हुआ, 7। 7 मीन्स 0, तो अगर वेनसडे है तो वेनसडे में 0 डे जोड़ने पे कौन सा दिन है, वेनसडे, तो तुम्हारा बर्थडे कौन से दिन आएगा, वेनसडे। आया कुछ समझ में, ओके? इस तरह के क्वेश्चन रेगुलर अटेम्प्ट पे पूछे जाते हैं, ये कि इस तारीख को या इस डेट को ये डे पड़ता है तो नेक्स्ट डेट को कौन सा डे पड़ेगा, इस तरह के ये वाले क्वेश्चन तुमसे ये पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जिस तरह के अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, Thank you.